सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टॉप 3 बेस्ट वीवो कैमरा मोबाइल अंडर 20,000। तो दोस्तों, आप अगर ढूंढ रहे हैं 20,000 के अंदर बेस्ट वीवो के कैमरा सेंट्रिक डिवाइस, तो वीडियो में बने रहना। यहाँ पे मैंने 3 ऐसे डिवाइस के बारे में फुल डिटेल्स में बात किया है। तो दोस्तों, डिवाइस कौन कौन सा है, फीचर क्या क्या मिलेगा, सब कुछ डिटेल्स में जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहना, और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे वीडियो फीचर में और भी देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस लिस्ट की जो सबसे पहली डिवाइस है उसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये डिवाइस है वीवो की तरफ से न्यूली लॉन्च डिवाइस वीवो T3 5G, जो काफी शानदार सा एक डिवाइस है। तो सबसे पहले इसके लुक एंड डिजाइन की बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम के साथ प्लास्टिक बैक मिलने वाला है। रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इस डिवाइस की वेट होने वाले 185 ग्राम। तो डिवाइस काफी हल्का है, तो ओवरऑल लुक एंड डिजाइन काफी अच्छा है, इन हैंड फील काफी अच्छा देगा। वह बात करें इस डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.67 इंच का फुल HD+ एमुलेट डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलने वाले है। उसके साथ साथ एक काफी अच्छी बात है, इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला 1800 नीट पीक ब्राइटनेस। तो आउटडोर पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ब्राइटनेस काफी तगड़ी दिया गया है। इस डिवाइस पे आपको मिलने वाला है 86.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, जहाँ पे आपको मिलेगा 1080x2400 पिक्सल रेजोल्यूशन। तो डिस्प्ले की क्वालिटी भी काफी तगड़ी है, गेमिंग या फिर कंटेंट कंज्यूम के लिए काफी अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों, नेक्स्ट बात करें इस डिवाइस के कैमरा के बारे में तो रियर पे आपको ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल मिलेगा, जहाँ पे आपको 2 कैमरा मिलने वाला है। मेन कैमरा होने वाला है 50 मेगापिक्सल का, जिससे आप 4K 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो। यहाँ पे यूज किया गया है सोनी का IMX882 OIS सेंसर। हाँ दोस्तों, इस डिवाइस पे आपको OIS की सपोर्ट भी दिया गया है। उसके साथ साथ 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा भी मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ पे आपको एक सेंसर मिलने वाला है जो है फ्लिकर सेंसर। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल 3 कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा। वही पे बात किया जाए फ्रंट कैमरा की तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जिससे भी आप 1080p 30 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो। ओवरऑल वीडियो और कैमरा काफी अच्छा निकल के दे देता है ये डिवाइस। नेक्स्ट बात किया जाए इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 5G चिपसेट, जो 4nm पे बेस है। और दोस्तों, एक काफी पावरफुल सा एक चिपसेट है। इसकी जो एंथोस स्कोर वो 7,34,000 से भी ऊपर जाता है। तो आप हाई लेवल की गेम भी इस डिवाइस पे खेल सकते हो। तो गेमिंग डिवाइस के लिए भी इस डिवाइस को आप यूज कर सकते हो। बात किया जाए रैम रोम की तो यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट मिलने वाला, 8GB 128GB 8GB 256GB। वही पे इस डिवाइस पे 5000mAh का लार्ज बैटरी मिलने वाला है विथ 44W फास्ट चार्जिंग। इस मोबाइल की सिक्योरिटी पे आपको मिलने वाला इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, 3.5mm जैक नहीं मिलेगा, डुअल स्टेरियो स्पीकर की सपोर्ट दिया गया है। उसके साथ साथ ये डिवाइस रन होने वाले एंड्रॉइड 14 और फंटच ओएस 14 पर। तो दोस्तों, ये तो का इसकी सभी फीचर। आप बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में तो इसकी जो बेस बैंड 8GB 128GB है, उसकी करंट टाइम पे प्राइस 90,999 है, मतलब 20,000 है। पर मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आपको 2000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो के बाद इसकी प्राइस 18,000 के अंदर आ जाता है। वहीं पे जो सेकंड वेरिएंट है 8GB 256GB, उसकी करंट टाइम पे प्राइस 22,000 है, वहां पे भी आपको सेम डिस्काउंट मिल जाता है। दोस्तों, ये डिवाइस होने वाला है IQ की तरफ से IQ G9S 5G, जो काफी शानदार सा एक प्रीमियम डिवाइस है। तो सबसे पहले इसके लुक एंड डिजाइन की बात करें तो वीवो की जो V40 सीरीज है, जिसकी प्राइस 40,000 है, उसके लुक एंड डिजाइन सेम आपको यहाँ पे मिल जाता है, वो भी सिर्फ 20,000 के अंदर। तो आपको अगर एक प्रीमियम देखने वाला डिवाइस है तो इसके साथ आप जरूर जा सकते हो। यहाँ पे जो डिवाइस की वेट है वो 180 ग्राम है, तो काफी हल्का है। यहाँ पे आपको IP64 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट भी मिलने वाले। रियर पे आपको एक ऑरा लाइट की फीचर भी दिया गया है, जो डिवाइस को और भी ज्यादा प्रीमियम बना देता है। उसके साथ साथ कैमरा के जो मॉड्यूल है वो भी काफी यूनिक है। नेक्स्ट बात किया जाए इस डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 6.77 इंचेस का एमोलेड 3D कर्व डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। डिस्प्ले पे आपको 1 बिलियन कलर देखने को मिलेगा, जो HDR10+ को सपोर्ट करता है। 1800 नीट पीक ब्राइटनेस आपको मिलेगा इस डिस्प्ले पे 1080x2392 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। नेक्स्ट बात किया जाए इस डिवाइस की कैमरा के बारे में तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जब मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है। यहाँ पे आपको सोनी की सेंसर देखने को मिलेगा, OIS की सपोर्ट दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा की सपोर्ट भी दिया गया है। मेन कैमरा से आप 4K 30 या फिर 60 FPS तक वीडियो शूट
कर सकते हो। वही पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जिससे भी आप 1080 30 fps तक वीडियो शूट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 5G चिपसेट मिलेगा, जो 4nm पे बेस है और जिसके एंटोस उसको 7 लाख से भी ऊपर है। तो आप गेमिंग के लिए भी इस डिवाइस को यूज कर सकते हो। डिवाइस को पावर देने के लिए यहाँ पे आपको 5500 mAh का लार्ज बैटरी मिलने वाला है। हाँ दोस्तों, 5500 mAh का बैटरी मिलेगा विद 44 वाट फास्ट चार्जिंग, तो बैटरी भी काफी लार्ज है। तो दोस्तों ये तो होगा इसके सभी मेन फीचर। अब बात कर लेते इसके कुछ अदर फीचर के बारे में, जैसे कि यहाँ पे सिक्योरिटी पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाएगा, उसके साथ साथ 3.5mm जैक नहीं मिलेगा, स्टेरियो स्पीकर की सपोर्ट दिया गया है। और दोस्तों ये डिवाइस रन होने वाले एंड्रॉइड 14, जहाँ पे आपको 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा फ्यूचर में। तो दोस्तों ये तो होगा इसके सभी फीचर। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में, तो इसकी जो बेस ब्रांड है 8GB 128GB, उसके करंट टाइम पे अमेजोन पे प्राइस 19,999 है, मतलब अंडर 20,000। तो इस प्राइस पॉइंट पे काफी शानदार सा एक ऑलराउंड सा डिवाइस है, आप अगर लेना चाहते हो जरूर ले सकते हो। न्यूली लॉन्च डिवाइस वीवो T2 Pro 5G, जो एक प्रीमियम सेगमेंट की डिवाइस है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें लुक एंड डिजाइन की, तो इस डिवाइस की वेट ओनली 175 ग्राम है, तो ये काफी हल्का और स्लिम है। वहीं पे यहाँ पे आपको प्लास्टिक फ्रेम मिलने वाला है प्लास्टिक बैक के साथ। यहाँ पे आपको रियर पे डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा और कैमरा के साथ यहाँ पे आपको ऑरा लाइट के फीचर भी दिया गया, जो काफी अच्छी बात है। और दोस्तों बात करें इस डिवाइस की डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला 6.78 इंच का HDR10+ AMOLED डिस्प्ले, जहाँ पे आपको 120Hz के रिफ्रेश मिलने वाला है, जो इस डिवाइस को काफी स्मूथ कर देगा। इस डिस्प्ले पे आपको 1 बिलियन से भी ज्यादा कलर मिलेगा, जो काफी अच्छी बात है। और दोस्तों इस डिस्प्ले पे आपको 1300 नेट पीक ब्राइटनेस की सपोर्ट भी दिया गया, जिसकी मदद से आउटडोर पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पे आपको 1080x2400 पिक्सल रेजोल्यूशन मिलने वाले 20:9 रेशियो के साथ। तो डिस्प्ले की बात किया जाए तो काफी हाई क्वालिटी का डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और दोस्तों बात करें इस डिवाइस की कैमरा की, तो रियर पे आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का होने वाला है विद OIS। हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको OIS की सपोर्ट भी दिया गया है। मेन कैमरा से आप 4K 30 fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। हाँ दोस्तों इस डिवाइस से आप 4K तक वीडियो शूट कर सकते हो, जो काफी अच्छी बात है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा की सपोर्ट भी दिया गया है। दो कैमरा के साथ साथ यहाँ पे आपको रिंग लाइट की फीचर भी दिया गया, जो काफी न्यू वाला एक फीचर है, जो इस मोबाइल को और भी ज्यादा प्रीमियम एक फील देता है। वहीं पे बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जिससे भी आप 1080p 30 fps पे वीडियो शूट कर सकते हो। बात करें इस डिवाइस की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 5G चिपसेट, जो 4nm पे बेस है, जहाँ पे इस डिवाइस के एंटोस स्कोर 7,20,000 से भी ज्यादा है, तो एक काफी पावरफुल सा एक चिपसेट है। बात करें इस डिवाइस की रैम रोम की, तो यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट मिलेगा 8GB+128GB 8GB+256GB। बात करें इस डिवाइस की बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 4600 mAh का बैटरी मिलने वाला है विद 66 वाट फास्ट चार्जिंग, तो बैटरी थोड़ी सी कम है, पर यहाँ पे आपको 66 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलता है, जिसकी मदद से 1-50% चार्ज सिर्फ 22 मिनट पे हो जाएगा, जो काफी अच्छी बात है। सिक्योरिटी पे इस डिवाइस पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की सपोर्ट दिया गया है, यहाँ पे आपको 3.5mm जैक नहीं मिलेगा। और दोस्तों ये डिवाइस एंड्रॉइड 13 फन टच ओएस 13 पे रन होने वाला है। तो दोस्तों ये तो होगा इसकी सभी फीचर। अब बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में, तो इसकी जो बेस ब्रांड 8GB+128GB है, उसके करंट टाइम पे प्राइस 23,999 मतलब 24,000 है, पर यहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइम 2,000 या फिर उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। तो डिस्काउंट के बाद ये डिवाइस आपको 22,000 के अंदर मिल जाता है। वही पे बात करें अदर ब्रांड 8GB+256GB, तो उसके करंट टाइम पे प्राइस 24,999 है। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई से भी चूज कर